आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। सदस्यता अभियान आप भी चला रहे हैं, सभी पार्टियां अभियान से 2020 का चुनाव बड़ा नजदीक है, आपका एजेंडा क्या है, किस तरह से आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं और आपका मैंने टारगेट क्या है और मंशा क्या है ये बता दीजिए। देखिए, टारगेट तो यही है कि पार्टी बहुत मजबूत हो, जमीन लेवल पे, बूथ लेवल पे मजबूत हो, यूथ को जोड़ा जाए, बिहार में मजबूती से आप अपने पार्टी को वजूद में लाइए। और अभी तो बिहार का स्थिति जो है कि कोई सिंगल एक पार्टी अपने सरकार बना नहीं सकता है, महागठबंधन की जरूरी गिरेगा, मतलब एक खेमा बनेगा, एनडीए हो या यूपीए हो, और वो खेमा में मजबूती से आप अपने ताकत दिखा के बिहार में सरकार बनाइए। और सरकार बनाने के बाद एक नया विजन की जरूरी है। हमने 15 साल नीतीश जी को देखा, नया बिहार में 2000 के बाद का दशक में, 1900 के दशक में हम नहीं जा रहे, 2000 के दशक में हमने नीतीश जी को 15 साल हमने दे दिया बिहार में, और बिहार आप देख रहे हैं कि कहां तक पहुंचा है। तो अभी नए विजन युवा की जरूरी है कि एक अच्छा सोच के साथ बिहार में कुछ करे, युवा के लिए, रोजगार के लिए कुछ करे, युवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे कंट्रोल हो, तो ये सारे चीज़ पे हम लोग जब सरकार में पावर में आएंगे तो हम लोगों का एक ही होगा कि क्या चीज़ में नीतीश जी फेलियर रहे जी, उन मुद्दों को आप एड्रेस कीजिएगा। जो चीज़ में नीतीश जी फेलियर है उस चीज़ को हम लोग काम करेंगे। एक बड़ा मुद्दा सर बिहार में पिछले महीने भर में ये हो गया है कि मॉब लिंचिंग बढ़ गया है, इस मुद्दे पर विपक्ष भी खामोश सा दिख रहा है। अब तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी वैसे हो सकता है, आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड कर रही है और महागठबंधन में कोई एकजुटता क्यों नहीं दिख रही इस मुद्दे पर? नहीं, महागठबंधन में अभी चुनाव तो देखिएगा, 2 महीना 2.5 महीना हुआ चुनाव, अभी हैंगओवर अच्छा है, हैंगओवर नहीं, सबका अपना अपना ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क काम रूटीन जो है वो कर रहे हैं। अभी जरूरी नहीं है कि रोड पे उतर के दिन रात चिल्लाते रहेंगे। और आज भी 2 मॉब लिंचिंग घटनाएं हुई हैं, हर दिन 1-2 घटना हो जा रही है। हाँ, तो इसके ऊपर तो सरकार को ज्यादा बेहतर उनको जवाब देने की आवश्यकता है, जो हो रहा है देश में वो गलत हो रहा है, और एक धर्म के नाम पे किसी को हत्या कर देना ये सरासर गलत है। कल तक हम जय श्री राम लेते थे, जहाँ हम तकलीफ में होते थे तो वहाँ जय श्री राम लेते थे और मजबूती से लेते थे, आज जय श्री राम का नाम लेके किसी की हत्या कर देना तकलीफ दिया तो ये उचित नहीं है। जय श्री राम, हमारे श्री राम प्रभु राम जी भी नहीं कभी सोचते होंगे कि हमारा नाम लेके किसी को हत्या कर दे। तो कहीं ना कहीं आज देश में जो राजनीति हो रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है, और इस देश के राजनीति को गलत दिशा में लेके जाने का जो है बड़े पैमाने पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसका पूरा कर्ता धर्ता देख बोल सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का है देख रेख में ये सारा चीज़ हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि इस पर ध्यान दे, इस पर एक्शन ले और इसके ऊपर एक कानून बनाए, जो ऐसे व्यक्ति किसी को पीट पीट के मार दे ये उचित नहीं है। कानून है देश में, न्याय है, और उससे ऊपर उठ के लोग सोच रहे हैं उसको दंडित करें और ऐसे घटना ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।